अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमसे बड़ी पार्टी के नेता को या सत्ता पार्टी को बोलने का पहले मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैंने इजाज़त आपसे ली है महोदय। 5 बजे मुझे जाना है पटना वापस, इसलिए आपके परमिशन से मैं बोल रहा हूँ। अभी बहुत टाइम है भाई। हाँ, 7 बजे जाना। हाँ तो 7 और 5 बजे जहाँ जाता है। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संवेदनशील मामले पर सदन विचार कर रहा है, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो। राष्ट्र के सुरक्षा के सवाल पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, भारत के सभी जाति, वर्ण, धर्म, सभी देश की जनता सुरक्षा के सवाल पर एक है और एक स्वर से हम राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं। जो महोदय युद्ध जैसा और तनाव जैसा स्थिति पैदा ले लिया है पूरे भारत में, काफ़ी असमंजस में लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, सुन करके घोर निराशा हुई है। इस देश के वैज्ञानिकों को और उनके टीम को, डॉक्टर कलाम को और चिदंबरम जी को, साइंटिस्ट लोग को जितना बधाई दिया जाए बहुत कम है। लेकिन ये ठीक ही कलाम को पूर्व के सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल साहब ने देश रत्न की उपाधि दिलवाई थी डॉक्टर कलाम को, भारत रत्न की। सचमुच में ऐसा रत्न मिला इस राष्ट्र को जिसने, कलाम की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर कलाम ने दुनिया में और दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने भारत का मस्तक ऊंचा किया न्यूक्लियर डिवाइसेस का प्रयोग करके। इसमें दो राय हो नहीं सकती। इसमें भारत के एक एक जनता का, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जो रक्षा बजट है इसमें रक्षा मंत्री जी को रहना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चेक करो थे। तो लगता नहीं कि रक्षा मंत्री से भी पूछा जाता या नहीं, क्योंकि फोर फ्रंट पर नजर आते ही नहीं कहीं कभी। इसमें भी रक्षा मंत्री से पूछा गया या नहीं वो बताएंगे प्रधानमंत्री जी जब जवाब देने लगेंगे। महोदय, वैज्ञानिकों को धन्यवाद और बधाई हम लोग देते, और ये प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि 50 साल का ये हमारी उपलब्धि है, 74 में हुआ और फिर अभी हमारा ये डेमोस्ट्रेशन हुआ है। किनके खिलाफ, ये सवाल हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में जिनकी मोनोपोली है वो राष्ट्र है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, और महोदय उनके तुलना में हम पूरे देश में ये डुगी पीट रहे हैं, चाहे जो लोग भी डुगी पीट रहे हों कि हम भी तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी चूंकि पूरा होल वर्ल्ड और देश वाच कर रहा होगा, मैं इस तह में गोपनीयता में मैं जाना नहीं चाहता। ये जो डेमोस्ट्रेशन है, जो टेस्ट है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये 5 राष्ट्र जिन राष्ट्रों के खिलाफ हम चारों तरफ वातावरण बना रहे हैं, उस मंजिल तक जाने में हमें कितनी देरी है, क्या हमारी क्षमता है? महोदय, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि ऐसी हंसी न हो जाए कि जो संपन्न लोग, समृद्ध लोग, इनके बेटा बेटियों की शादी होती है तो छुरछुरी खूब उड़ता है, बड़े पड़ाके उड़ते। ये धन का डेमोस्ट्रेशन होता,
जो देश जिन देशों का नाम जिन देशों का एक क्लब बन चुका है, वो चाहते हैं कि अब कोई दूसरा मुल्क नहीं बनावे। तो महोदय हैरत में हम हैं कि आखिर ये निशाना कहाँ है। इस परीक्षण के पहले कोई आलोचना नहीं, मैं जानना चाहता हूं मेरे मन में ये बातें और करोड़ों करोड़ों देशवासियों के मन में बातें हैं महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी का नए अध्यक्ष जी बनने के बाद गांधीनगर अहमदाबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, संकल्प हुआ और उसमें वन कल्चर वन नेशन वन रिलीजन इसकी भूरी भूरी तायद की गई, माना गया। यस आई एम एग्री विद द वन नेशन बट आई एम नॉट एग्री विद द वन कल्चर, आई एम नॉट एग्री विद वन रिलीजन। और महोदय ये बात जब गौरी की बात आई थी, जोर साहब पीछे बैठे हैं, भाई काहे हमसे उनका कोई लड़ाई ही नहीं है, वो जानते हैं। जब ये गौरी की बात आई महोदय, तो जोर साहब का पीछा करना अखबार के लोगों ने शुरू कर दिया। गौरी पाकिस्तान से जब छूटा या क्या हुआ वो जानते हैं, ये उपलब्ध नहीं हो पाते थे। यहां से भक्के नॉर्थ ईस्ट में चले गए, कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ से भी ये बात छपी माननीय प्रधानमंत्री जी कि जोर साहब ने कहा कि पाकिस्तान उतना हमारे लिए पाकिस्तान खतरा पाकिस्तान से नहीं है, चीन से हमारा खतरा है, एक नंबर का इंडिया का एनिमी चाइना है। जोर साहब भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर, जो सारा इंटेलिजेंस सारी गोपनीयता सारी बातों की जानकारी हो जाती डिफेंस मिनिस्टर को, जॉर्ज साहब ने कहा कि खतरा है मुझे चीन से, भारत को खतरा है। मैंने अपने पूर्व के भाषण के दौरान कहा था जरूर और आज मैं कायम हूं, हमारा कैलाश मानसरोवर हमारी जमीन, मैंने कहा था कब्जा में हम लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया, युद्ध हुआ और हमारी जमीन वहाँ जरूर दबी हुई है, हमारा भगवान वहाँ कैद हैं जिनके लिए हम लोग जाते हैं। चीन का डिफेंस मिनिस्टर का बयान और प्रधानमंत्री को नहीं बोलना, कोई रिएक्शन नहीं देना, चार पांच दिन के बाद डिफेंस मिनिस्टर पटना में जाते हैं और इन्होंने सफाई दी महोदय कि चीन के मुतालिक हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अखबार के लोगों ने तोड़ मोड़ करके छापा है महोदय। जब अशोक सिंघल साहब प्रधानमंत्री जी को हो सकता जानकारी नहीं हो चूंकि जिम्मेवारी इनकी बढ़ गई है, जिम्मेवारी इनकी ज्यादा बढ़ गई है, कितने स्वतंत्र लोग हैं, सिंघल साहब ने कहा पटना में जाके बयान दिया कि वहां हम पोखरान में भव्य मंदिर बनाएंगे, शक्तिपीठ बनाएंगे। आपका क्या योगदान है सिंघल साहब उसमें? बालू लेके घूमेंगे, माथा पर टोकरी बालू लेके देश में हम जत्रा निकालेंगे और पाकिस्तान और रिलीजन का नाम लेके, महोदय मुझे खतरा है, मुझे अंदेशा है कि एक तरफ अगर मीडिया और अखबारों की खबर अगर झूठी है तो अयोध्या का विवादास्पद मामला मंदिर न्यायालय से रोक, हम सभी पार्टी के लोगों ने माना कि न्यायालय का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि चारों तरफ अयोध्या में मंदिर बनाने के ढांचे तैयार हो रहे हैं, कभी कहीं गेट बन रहा है महोदय, लखनऊ में कहीं राजस्थान में, ये जांच का विषय है महोदय। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे शत्रु कौन है, हमारे दुश्मन कौन है,
बैठे हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी गुजराल साहब, खाड़ी के देशों में पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते फॉरेन पॉलिसी के विषय में बता रहा हूं। आप बोलते कि आपने क्यों नहीं फोड़ दिया, आपने क्यों नहीं कर दिया, मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं पहले ये बटन दबा दिया। वाजपेयी जी बटन दबा दिए, बड़ा भारी शेर मार के लाए आप। 1900 आपकी आइडियोलॉजी, अगर हिम्मत है न्यूक्लियर आणविक शक्ति में अगर आपको विश्वास होता, न्यूक्लियर डिवाइसेस में आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी होती, तो इस देश के भावी पीढ़ी के लोगों को उनके रहन और संस्कार का शिक्षा हम दूसरा नहीं देते। जिस आइडियोलॉजी में आपको विश्वास नहीं, क्या जरूरत था खाकी पैंट का, क्या जरूरत था हाथ में डंडा का, क्या जरूरत था माथे पर टोपी लगाने का। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, न्यूक्लियर डिवाइस, आणविक विस्फोट, आणविक शक्ति। आज हिम्मत है तो आप बैन कर दीजिए आरएसएस, उसको खत्म करिए, समाप्त करिए। चूंकि जो आणविक है, जो न्यूक्लियर डिवाइसेस है, ये शिक्षा दीजिए देश को पोंगा पंथ की ओर, और लाठी डंडा गुल्ली पटकने की तरफ मत ले जाइए। आप बोल रहे हैं कि हमारा श्रेय है, ये बता रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं किए। आपको मैं याद कराना चाहता हूं महोदय सभापति जी, बैठिए ना, सुनिए पहले। आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, 1974 में ये विस्फोट हुआ था महोदय। 1974 में परीक्षण हुआ, आपकी पार्टी सत्ता में थी, मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, वाजपेयी जी हम तमाम लोग जेलों में बंद थे, इमरजेंसी लगा था। सुनिए 76 में कब लगा, सो आप ज्यादा हमको पढ़ाइए। कोशिश करिए, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं आप, ये सुनिए मिल गया सो। 74 में आप लोगों ने भी मन बनाया होगा, आप लोगों ने भी, आपकी पार्टी ने मन बनाया होगा कि ये विस्फोट कर दिया, अब देश हमारे साथ हो गया। 77 में सफाया हो गया कांग्रेस, ये सफाया में जाने वाले हैं, ये सफाया में जाने वाले हैं, इनको मालूम हो जाएगा आटा चक्की का भाव। प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर इसको जरूर बताएंगे, मैं नहीं हूंगा, हमारे साथी रहेंगे, हम आपका इस बात पर जवाब हम जानना चाहते हैं। ये प्रश्न है कि क्या गोपनीय बात, सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं हो रहा था, दुनिया को मालूम था कि कोई ना कोई दाल में काला है, भारत कुछ काम कर रहा है इसमें। सीटीबीटी पर आपने कहा, बार बार आपने पूछा क्या स्टैंड है, दुनिया को मालूम था कि भारत के पास ये सामान है, लेकिन आपने भेद खोल दिया। आज भारत को आइसोलेट करके रख दिया, आज भारत का कोई मित्र नहीं है। मैं जो महसूस करता हूं, तो हमको संपन्न होने के लिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, हमको दुनिया का मुकाबला करने के लिए, अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए, आपने एक टेस्ट किया, उसने हजारों टेस्ट करके रखा। कितना सामान है आपके पास, मैं छेड़ना नहीं, ये नहीं बोलना चाहता, सारे लोग समझते हैं, ये चीज आपको मालूम होगा, इसको देखेंगे। महोदय, मैं ये कहना चाहता कि आपने ये किसी देश का फेवर का नहीं, भारत का फेवर करना चाहते, भारत की रक्षा करना चाहते, इसलिए महोदय, नो इंटरप्शन, सुनिए प्लीज डोंट इंटरप्ट। महोदय, अमेरिका अपना देश छोड़ा लिया, जान बचा लिया अमेरिका ने, यहां आप विस्फोट करते हैं, अमेरिका की टीम जाती है पाकिस्तान में, क्यों
हाईलाइट क्यों पाकिस्तान को हाईलाइट किया जा रहा है? आपका विस्फोट और आपके सफाई का लेटर, और पाकिस्तान की तरह अमेरिका का टीम, कि मैं जा रहा हूं अमेरिका में, टीम भेज रहा हूं कि पाकिस्तान तुम मत फोड़ना, तुम मत फोड़ना। महोदय, वहां से चेतावनी, कहीं से कोई बात मीडिया में हम लोग देखते, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में देखते कि इकोनॉमिक सेंक्शन हम क्या स्टैंड है, अमेरिका कायम रहता कि नहीं भारत के सवाल पर, तब हम अपनी बात को रखेंगे। महोदय, आपने ये भेद नहीं खोला, दुश्मनों को आपने नहीं बताया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास शक्ति, हम अपनी गोपनीयता को हमको मेंटेन करना चाहिए, रोड और चौक चौराहे पर इसको उजागर ओसवनी नहीं करना चाहिए। धान और गेहूं का खेती ने साइकोलॉजिकल कोई बात है तो वो दूसरी बात है कि तुमसे हम भी कम नहीं। लेकिन महोदय, माँ सीता का जब अपहरण हुआ, रामचंद्र जी वनवास गए, जीत जटायु महान बलवान, काफी वीर आदमी की जटाओं ने कहा कि माँ सीता को लेकर अपहरण करके रावण जा रहा, ये तो हमारी माँ सीता है और ये रावण है। जो द्वितीय गीत जटायु ने महोदय काफी तंग और तबाह कर दिया, परेशान कर दिया रावण को, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था रावण को। लेकिन गेध जटायु इतने भोले और सीधे थे कि गोपनीयता को बर्दाश्त नहीं किया, अपने कमजोरी को नहीं पचा सका, और गेध जटायु ने कहा कि अगिन बाण से बचेंगे रावण तो तुम्हारी शक्ति को हम देख लेंगे। रावण बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ और चलाक थे, रावण ने अगिन बाण मारा, गिद्ध जटायु का पंख जर के साफ हो गया, खत्म हो गया। आपने क्या अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने रखने का काम नहीं किया? आप सीटीबीटी में परीक्षण के खिलाफ क्या? नहीं, नहीं, नहीं सुनिए, परीक्षण गोपनीयता, गोपनीयता प्लीज, प्लीज महोदय, नो इंटरप्शन प्लीज, बैठिए महोदय, हमारा आगे का काम प्लीज। महोदय, आगे का हमारा काम, हमारा आगे क्या सोच है? इस देश में गरीबी है, भूख है, प्यास है, देश के रक्षा बजट पर जितना खर्चा करने की बात है, सुरक्षा के ठेकेदार आप ही बने हुए हैं, उड़ जाइएगा यहाँ से, प्लेन लेके लड़ेंगे हम ही लोग यहाँ इस देश में, आप उड़ने वाले हो, लड़ने वाले हम ही लोग हैं यहाँ। इसलिए महोदय, वैज्ञानिकों को ये जाता है श्रेय, टेस्ट हमने किया, वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि है, और उनको माला नहीं, अरे बोलते शक्तिपीठ मंदिर वहां बनाएंगे, वहां डॉक्टर कलाम द्वार बनना चाहिए, चिदंबरम द्वार बनना चाहिए, उसके टीम के साथियों को मार्बल से खोद के लिखा जाना चाहिए, इसमें सिंघल साहब की जरूरत है क्या? इसमें देश की रक्षा सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई भेद है, कोई मतभेद है? लेकिन महोदय, क्यों हमने हिसाब दिया चिट्ठी लिखे अमेरिका के राष्ट्रपति को? क्यों तब आप बोलते हैं कि मोनोपोली नहीं चलने देंगे? हम क्यों सफाई दे रहे हैं? आप तैयार हो जाइए आत्मनिर्भरता की ओर, सजग हो जाइए, गरीबी गारत भूख प्यास मिटाने की दिशा में भारत में आपने खुद कहा अपार प्रचुर समृद्धि है हमारा, इसका दोहन करना पड़ेगा। इसके लिए आप सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाइए, खड़ा होइए, इकोनॉमिक सेंक्शन हम नहीं चाहते कि इंडिया भीख मांगे, भीखमंगा हम बनकर नहीं रहना चाहते, हम दुनिया में उनका मुकाबला करना चाहते, लेकिन हमारी बात हवा में न रह जाए, हमारे वैज्ञानिक, यही हमारी उपलब्धि है कि हमारा वैज्ञानिक कॉम्पिटेंट है, साइंटिस्ट कॉम्पिटेंट है, इस देश का यही सबूत है कि हम भारत के वैज्ञानिकों पर हमको गौरव है, हम उनको, हमको प्राइड है कि वो तैयार है, उसको साधन दीजिए और दुश्मन और कैपेसिटी लक्ष्य निर्धारित करिए।
भारत में दुनिया में भारत निर्गुट का भारत दुनिया का गुरु कैसे बनेगा? नॉन अलाइनमेंट कंट्री को हमने तटस्थता के सिद्धांत को माना, पंचशील के सिद्धांत को माना, आपने नेहरू जी का नाम लिया, हम नाम लेते विकास के लिए, आप दुनिया को कैसे मनाएंगे? पड़ोसियों से हमारे रिश्ते क्या हो आपने खुद कबूल किया, तो परीक्षा हो गया कि हथियार बनाने के लायक हम हैं। ये हमारी उपलब्धि भारत की हो गई वैज्ञानिकों की, लेकिन बाकी जो मुकाबला हमको करना है, इस मुकाबला पर आपको निश्चित रूप से ऑल पार्टी राष्ट्रीय सहमति जरूर आप बुलाइए। बहुत गोपनीय बात को आप नहीं बताइए, हम नहीं जानना चाहते आपने आपकी गोपनीय बातों। इसलिए महोदय हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते, इसको माइलेज पॉलिटिकल पार्टी कोई आदमी बोले कि हम ये कर दिया वो कर दिया, लड़े सिपाही नाम हलदार का माल खाइए जैसा। और आपको कहना चाहिए कल कि पोखरान में जो घर क्रेक हुए, पोखरान इलाका में जो गरीब आदमी चाहे जिसका भी घर मकान, उस जमीन को तो प्रणाम करिए जिनका छाती फट गया। एरोजन जहां हुआ तो राजस्थान की जनता को भी हम लोग को बधाई देना चाहिए कि जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा वहीं पर उनको हम लोग बधाई देते हैं, राजस्थान की जनता की वही है धमाका को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। महोदय हम लोग इसमें देश के सुरक्षा, पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता, अंतिम अस्त्र लड़ाई नहीं होगा तो होगी लड़ाई भारत अहिंसा के सहारे, बापू के सहारे। अंग्रेजों को हम लोग ने सात समुंदर पार ढकेल के भगाया, आपका भी योगदान रहा फ्रीडम फाइटर जो लोग हैं, और बापू का बताया हुआ स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया में नाम किया, न्यूयॉर्क में वहां शिकागो में आप उनका हॉल, दुनिया भर के विश्व बंधु सारे दुनिया के नर नारी हमारे कुटुंब के समान। आपको मांग करना चाहिए जितना पांच राष्ट्र है अपना सारा आणविक जितना प्रयोग किया है समुन्द्र में फेंको, डालो समुन्द्र में, भारत अहिंसा का पुजारी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके पार्टी में एलआई पार्टी में देश की समस्या में चारों तरफ बड़ा भारी भूकंप मचा हुआ है, इसलिए आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, ये जो बम फोड़ दिए हैं बस स्वीप कर जाएंगे, गलतफहमी में मत पड़िएगा। अब तो आम लड़के बोल रहे आपसे कैसे बयान दिलवा देता लोग कि एक और बड़ा हमारे पास है वो भी फोड़ देंगे, आपने कहा हथियार में। अब लड़का लोग बोल रहा है कि जब प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है तो हमको फोड़ने में क्या दिक्कत है, हम ही फोड़े बम, ये काम मत करिएगा। इसलिए मौके में धन्यवाद इसको भी रोकिए। लालू प्रसाद जी